ये घटना है केशवपुरम इलाके की। 4 फरवरी को रात करीब 12:30 बजे एक PCR कॉल आती है। पता लगता है कि घर में भयंकर आग लगी है। कॉल मिलते ही आपातकालीन अधिकारी सब इंस्पेक्टर नवीन कुमार के साथ हेड कांस्टेबल अनिश कुमार, नरेंद्र कुमार, अमित कुमार और अन्य स्टाफ आग लगे हुए घर के पास पहुंचे। पता लगा कि एक बहुमंजिला इमारत की 4th मंजिल में बहुत तेज आग की लपटें और धुआं बाहर आ रहा है। इसको देखकर पड़ोसियों ने पुलिस को कॉल की थी। पुलिस स्टाफ ने आते ही आग लगने के बाबत फायर ब्रिगेड को सूचना दी। तत्परता से बिल्डिंग को खाली कराया गया। पड़ोसियों से पता लगा कि 4th फ्लोर पर 62 साल की एक बुजुर्ग महिला श्रीमती सरोज महाजन अकेली रहती हैं। उन्हें अस्थमा की भी दिक्कत है और वो अभी तक आग में फंसी हैं। वृद्ध महिला के जीवन को खतरे में भांपते हुए पुलिस स्टाफ ने फायर ब्रिगेड का इंतजार करना सही नहीं समझा। वे खुद ही ऊपर जाकर इस महिला को आग से बाहर निकालने का फैसला कर चुके थे। मेन प्रवेश द्वार पर आग की लपटें तेज होने की वजह से वहां अंदर जाना मुमकिन नहीं था, लेकिन हार न मानते हुए हेड कांस्टेबल नरेंद्र और अमित बालकनी के रास्ते से अंदर घुसने में कामयाब हो गए। जाकर देखा कि वृद्ध महिला सांस लेने और चलने फिरने में असमर्थ है। तब दोनों पुलिस वालों ने इस वृद्ध महिला को कंबल में लपेटा और गोद में उठा लिया। वे आग की लपटों से होते हुए दम घुटने वाले वातावरण के बीच से सफलतापूर्वक बाहर निकल आए। इसी दौरान SHO केशवपुरम भी अन्य स्टाफ के साथ आग बुझाने के काम में शामिल हो गए। आग की लपटों की वजह से हेड कांस्टेबल नरेंद्र, अमित और अनिश को भी मामूली चोटें आईं। इसी दौरान फायर ब्रिगेड भी आ गई और आग को बुझाया गया। स्टाफ ने इस बुजुर्ग को अपने कंधे पर उठाकर एम्बुलेंस से अस्पताल तक पहुँचाया। इस तरह थाना केशवपुरम की टीम ने अपनी जान पर खेलकर इस वृद्ध महिला की जान बचाई। ये था वर्तिका नंदा की आवाज में आज का किस्सा खाकी का।